साथियों, हमारे देश में जिस तरह गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लिए अपने घर का सपना दूर होता जा रहा था, वो स्थिति ठीक नहीं थी। इसे स्थिति को बदलने के लिए अनेक स्तर पर एक साथ काम किया गया। हमने कोशिश की कि गरीब और सामान्य मध्यम वर्ग को घर खरीदने में जितनी भी मुश्किल आ रही है, जो भी उसकी चिंता है, उसका एक एक करके समाधान किया जाए। आज हमारी सरकार के प्रयासों का ही असर है कि होम लोन पर ब्याज दर पहले से मुकाबले कम हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो सरकार जितनी राहत दे रही है, उसके बाद लोगों को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत होना का अनुमान है। यानी अगर किसी ने 19-20 लाख रुपए का कर्ज 20 साल के लिया है, तो सरकार की योजनाओं की वजह से उसके 5-6 लाख रुपए सीधे सीधे बचना तय है। साथियों, हमारी सरकार ने इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है, और ये इसलिए किया गया कि गरीब और मध्यम वर्ग के पास एक तो घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हो। हाल ही में 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार और जीएसटी काउंसिल ने लिए। इनकम टैक्स की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। इसके अलावा अब 2 घरों के अनुमानित किराए पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेंस टैक्स से छूट अब 1 के बजाय 2 घरों पर मिलने वाली है। ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग को नए घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं, जिसका सीधा लाभ आपके बिजनेस को भी होना निश्चित है।